नमस्कार दोस्तों, सभी ग्रहों के बीज मंत्र का क्या सही प्रोनाउंसिएशन, क्या सही उच्चारण होना चाहिए, इस बारे में इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको अपडेशन दे रहा हूं। अभी तक कुछ ग्रहों के वैदिक बीज मंत्र का सही उच्चारण मैं आपको बता चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के सही बीज मंत्र का, वैदिक बीज मंत्र का क्या सही उच्चारण, क्या सही प्रोनाउंसिएशन होगा। दोस्तों, हमेशा से आपको एक बात मैं बताते आया हूं कि जो भी काम आप करते हैं वो सही टेक्निक के साथ करेंगे तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे और आसानी के साथ सक्सेस हो पाएंगे। अब यदि आप किसी ग्रह का बीज मंत्र करते हैं, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे वो वैदिक हो, लेकिन यदि गलत उच्चारण करते हैं तो वो गलत टेक्निक होगी, और चूंकि गलत टेक्निक होगी तो यहां पर आपको गलत फल या गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, अच्छे फल या अच्छे परिणाम देखने को ना मिले चलता है, गलत फल या गलत परिणाम देखने को नहीं मिलना चाहिए, ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा खराब बात हो जाएगी। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको सारे सही प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं। आज के इस वीडियो में केतु ग्रह के बारे में बात करते हैं। केतु जो ग्रह है उनका वैदिक बीज मंत्र है ओम केम केतुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः। देखिए, यहां पर ओम तो हर कोई बोल लेते हैं, केम भी कई लोग बोल लेते हैं, के म केम ओम केम। अधिकतर जो कंफ्यूजन बनता है वो बनता है केतवे केतुवे, सिर्फ केतवे बोले या केतुवे बोले। यहां पर मैं आपसे कहूंगा केतु वे बोले, जो केतु है ना, जो नाम है उसके आगे वे लगा दें, के त वे ना बोले, केतु वे बोले, ओम केम केतु वे नमः, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। कई लोग ओम केम केतवे नमः कहते हैं, वो गलत है। तो केतु वे बोले, केत वे ना बोले। केम मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कई बहुत सारे लोगों को इस पर कंफ्यूजन हो, और कई सारे वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं जहां पर केम ही कहा गया है, बहुत बहुत कम जगह केन कहा गया हो तो कहा गया हो, मुझे नहीं पता, तो वो बिल्कुल सही है। फिर से मैं दोहरा देता हूं, ओम केम केतुवे नमः, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। कई जगह पर आपको केतवे देखने को मिलेगा, उसे फॉलो ना करें। तो केतु देव का ये बीज मंत्र है। मैं हमेशा से सीरीज के माध्यम से आपको ये बता रहा हूं कि देखिए उच्चारण का, प्रोनाउंसिएशन का कितना ज्यादा महत्व है। ये उदाहरण मैं अपने हर वीडियो में दे रहा हूं, ताकि यदि आप इंडिविजुअल वीडियो देखते हैं तो भी आपको ये उदाहरण देखने को समझने को मिले। आप सभी जानते हैं इस बात को कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने तीन भाई थे, तीनों ने कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी से वर मांगा, रावण ने अपना वर मांगा, विभीषण ने अपना वर मांगा। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण को मांगना था इंद्रासन, इंद्रदेव का आसन, इंद्रदेव की गद्दी, इंद्रासन, और उनके मुंह से निकल गया निंद्रासन, और यही सब गड़बड़ हो गई, और उनको निंद्रासन मिला, और इतनी कड़ी तपस्या का जो फल है वो नींद के रूप में प्राप्त हुआ, पूरा काम खराब हो गया। खैर, देवताओं के लिए, मानव समाज के लिए ये बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन उनकी पर्सनल यदि हम बात करते हैं, उनके पर्सनल इतनी बड़ी तपस्या की बात करते तो उन्हें क्या मिला? एक गलत प्रोनाउंसिएशन ने, गलत उच्चारण ने जो है वो सब पूरा खराब कर दिया। तो ये चीज आपको भी समझनी चाहिए कि जो भी मंत्र, किसी भी प्रकार का मंत्र हो, अभी फिलहाल तो हम बीज मंत्र की सीरीज चला रहे हैं वैदिक और तांत्रिक बीज मंत्र में, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र आप करते हैं उसका सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपके प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो देखा। यदि आप चाहते हैं कि आपके अपने, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट, जिन जो आप समझते हैं कि भाई ये हमारे हैं, ये गलत उच्चारण कर सकते हैं या गलत उच्चारण करते हैं और उनको गलत परिणाम या फल मिल सकता है, तो आपको उनके साथ ये वीडियो को शेयर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आने वाली वीडियोस में फिर मिलेंगे। नमस्कार।